हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, मैंने आपको नॉन फाइनाइट्स का एक टेस्ट सेंड किया था। आप सभी ने वो टेस्ट किया और मुझे सेंड किया, बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं उस टेस्ट को इस वीडियो के थ्रू आपको सॉल्व करना बताऊंगी कि किस तरीके से हमने उस टेस्ट को सॉल्व करना था, और जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक्स थी तो आप इसे भी समझ लेंगे कि कहाँ पर क्या कैसे आपसे गलती हुई और कैसे उसको सुधार सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, यू नीड नॉट से एनीथिंग। अब यहाँ पर नीड क्या आ गया, हमारा मोडाल आ गया। तो मोडाल के साथ क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। तो पहला सेंटेंस क्या होगा, यू नीड नॉट से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बिना टू के, एनीथिंग। ओके, आपने देखा नीड के साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज हुआ। दूसरा सेंटेंस है, माय ग्रैंडफादर डिसलाइक्स यूज फेस पाउडर। अब यहाँ पर लाइक डिसलाइक्स आप देख रहे हैं, लाइक के साथ मैंने आपको टू इन्फिनिटिव का यूज करना सिखाया है। यानी लाइक जब वर्ब आ जाती है तो उसके साथ टू इन्फिनिटिव आती है, यानी अगली वर्ब जो है टू इन्फिनिटिव बन जाती है। My grandfather dislikes to use face powder. Okay? तो हमने देखा कि likes के साथ dislikes जो भी है इसके साथ हमने to infinitive का use किया। Please stop make noise. अब आप जानते हैं stop verb के साथ जो अगली verb आती है वो gerund बन जाती है। इसे हम जीरेंट बनाएंगे, प्लीज स्टॉप मेकिंग, हो गई ना ये जीरेंट नॉइस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे, द ओल्ड मैन इज टू वीक वॉक। ये जो हमारी वर्ब आई है इससे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव वर्ड है, और जब टू प्लस एडजेक्टिव हो तो उसके बाद टू इन्फिनिटिव का यूज होता है। The old man is too weak to walk. इसका मीनिंग जो होता है वो नेगेटिव में होता है, यानी बुजुर्ग आदमी इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इट इज नो यूज वेट फॉर हर। अब इट इज नो यूज जब आएगा तो उसके बाद वाली वर्ब जो होती है वो जीरण में बदल जाती है। It is no use waiting for her. Next हम देखेंगे you had better stay here. अब यहां पर had better आ गया। मैंने आपको बताया had better, would rather, had rather इनके साथ bare infinitive यानी बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सिक्स नंबर का सेंटेंस, You had better stay here. Stay here. You had better stay here. I saw a sleep tiger. अब वैसे तो मैंने आपको बताया है सा या सी, सी की सेकेंड फॉर्म है, इसके साथ हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, लेकिन ये जो स्लीप वर्ब जो है वो एडजेक्टिव है, यानी टाइगर की विशेषता यहाँ पर बता रही है कि आई सा ए स्लीप टाइगर, मैंने एक टाइगर को, सोए हुए टाइगर को देखा था। तो जब ये एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है तो ये वाली ये पार्टिसिपल में चला जाएगा, जो भी आगे आपको समझाऊंगी मैं। तो आई सा ए स्लीपिंग टाइगर आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा आई, ये जीरण में बदल जाता है, आई सॉ ए स्लीपिंग टाइगर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में दिस मिल्क इज टू हॉट ड्रिंक। अब वो ही आ गया जो यहां पर था ओल्ड मैन वाले में, द ओल्ड मैन इज टू वीक, तो यानी ये भी वही हो गया टू प्लस एडजेक्टिव वर्ड, यानी दूध इतना गर्म है कि वो पिया नहीं जा सकता, द मिल्क इज टू हॉट, टू इन्फिनिटिव आना है इसमें,
द मिल्क इज टू हॉट और क्या हो जाएगा टू ड्रिंक, इतना गर्म है कि उसे पी नहीं सकते. नेक्स्ट He would not let anyone use his car. ये सेंटेंस पहले भी दिया था, वो मिस्टेक से यहाँ पर केयर हो चुका है, कार है वो. He would not let anyone use his car. अब let वाले वर्ड में बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है. He would not let anyone use his कार. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे ही विल बी एबल क्रॉस द ब्रिज. एबल के साथ टू इन्फिनिटिव, जो अगली वर्ब आएगी वो टू इन्फिनिटिव. ही विल बी एबल टू क्रॉस द ब्रिज. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया ही विल बी एबल टू क्रॉस द ब्रिज. एक बार फिर से देखेंगे, हमारे पहले सेंटेंस में मोडाल आया, मोडाल के साथ हमने बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. दूसरे सेकंड में डिसलाइक आया, लाइक के साथ हमने टू इन्फिनिटिव का यूज किया, लाइक वर्ब के साथ टू इन्फिनिटिव वर्ब आती है. प्लीज स्टॉप, स्टॉप के साथ हमने जीरंड का यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. द ओल्ड मैन इज टू वीक, टू प्लस एडजेक्टिव के साथ टू इन्फिनिटिव का यूज होता है, टू वॉक हो गया. इट इज नो यूज वेट फॉर, इट इज नो यूज के बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो जीरंड में बदल जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. यू हैड बेटर स्टे हियर, हैड बेटर के साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है यानी बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई सॉ ए स्लीप टाइगर, जब सॉ के या सी के बाद वाला वर्ड किसी की विशेषता बता रहा हो, एडजेक्टिव हो, तो वो जीरंड में स्लीपिंग है या स्ली ऐसा है लेस सही कर ले रही है. आई सॉ ए स्लीप, टी कर दिया था मैंने, इसे सही कर लेना, स्लीपिंग टाइगर. ओके, उसके बाद दिस मिल्क इज टू और ड्रिंक, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू इन्फिनिटिव. उसके बाद ही वुड नॉट लेट एनीवन, लेट प्लस बेयर इन्फिनिटिव. ठीक, उसके बाद ही विल बी एबल क्रॉस द ब्रिज, एबल प्लस टू इन्फिनिटिव, एबल के साथ टू इन्फिनिटिव. तो ये वो टेस्ट था जो मैंने आपको सेंड किया था, उसे आज मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करना सिखा दिया. आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और अपनी मिस्टेक्स को सही करेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पर आपसे गलती हुई है उन्हें आप सुधार लेंगे. ओके, गुड डे.